बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखनूर मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी पर खुलासा हुआ है। आतंकवादी डीएमआर संचार सेट का इस्तेमाल कर रहे थे, ये जानकारी सामने आई है। बातचीत के लिए वो डीएमआर संचार सेट का इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रैकिंग से बचने के लिए आतंकियों की तरफ से डीएमआर संचार सेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टैंक एनएसजी कमांडो और एआई की मदद से अखनूर में 3 आतंकियों का खात्मा किया गया। अखनूर में सोमवार को हमला करने वाले 3 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने खात्मा कर दिया। हमले के तुरंत बाद सेना ने ऑपरेशन आसन शुरू किया था। इसमें एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर के साथ BMP-2 लड़ाकू वाहनों को भी उतारा गया था। ये पहली बार था जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में BMP-2 जैसे टैंक उतारे गए। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन खत्म होने के बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सेना के मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन आसन में हमने मानव रहित वाहन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। इसके हमें त्वरित और अच्छे परिणाम मिले। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हमने 1 आर्मी डॉग को खो दिया। इसके साथ ही साथ मेजर जनरल ने बताया कि जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी आतंकवादियों ने डॉग फैंटम पर गोलियां चलाई। इस हमले में फैंटम ने देश के लिए बलिदान दिया, उसके बलिदान के कारण ही कई लोगों की जान बची। उन्होंने BMP टैंक के इस्तेमाल पर भी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमने BMP का इस्तेमाल किया क्योंकि वो दुर्गम इलाका था, 30 डिग्री की ढलान और घने जंगल में आतंकवादियों का पता लगाने के बाद वहां पहुंचने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। मारे गए आतंकियों के पास से क्या क्या बरामद हुआ है? 1 M4 राइफल, 2 AK-47 राइफल, 3 M4 मैगजीन, 8 AK मैगजीन, 1 पिस्टल, 9 mm पिस्टल कारतूस, 7.62 mm कारतूस, 5.56 mm कारतूस, सोलर पैनल, 1 चाकू, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड, नोटपैड और तमाम चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जो हैं वो अब हमारे साथ जुड़ गए। अजय जांडियाल, कमोबेश 30 के आसपास जो सामग्री है वो बरामद की गई है आतंकियों की तरफ से, जिनमें सोलर पैनल से लेकर पॉलिथीन सेट, किशमिश, खजूर, काजू, कॉटन पैकेट और AK-47 हैंड ग्रेनेड सभी चीज़ें हैं। सवाल ये है कि इन आतंकियों के पास जो सामान बरामद किया गया है, उन सामानों की बरामदगी तो ये दर्शाती है कि आतंकियों के मंसूबे बहुत बड़े थे और अगर उन्हें नहीं सही समय रहते हुए एलिमिनेट किया जाता तो कुछ बड़ा हमला करने की प्लानिंग से आतंकी पहुंचे हुए थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह के हथियार और जिस तरह का इनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस मिले हैं वो बताते हैं कि आतंकी लंबे समय तक यहाँ रहना चाहते थे। आतंकी चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सुरक्षा बलों को कर सकें और इसी वजह से वो जो है एक मंदिर परिसर में छुपे और ये देख रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई नुकसान जो है इनको नहीं होगा। इनको लग रहा था कि यहाँ पर अगर आतंकी छुपे रहेंगे तो ये आतंकी जो हैं यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और उसके बाद अगर सिचुएशन हुई जैसे कि कल ये खबर आई कि बच्चे जब वहां गए और बच्चों को, क्योंकि मंदिर में कोई ना कोई जाता और मंदिर में ये बच्चों को होस्टेज बना के रख सकते थे, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है इनकी बड़ी अपनी तरफ से नए-नए कर रखी थी। मगर सुरक्षा बलों ने और कहीं ना कहीं उन बहादुर बच्चों ने जिन्होंने उन आतंकियों से सवाल किए कि आप कैसे मंदिर में हैं, आप जूते लगाकर मंदिर में क्या कर रहे हो, और उसके बाद कहा कि आप यहां पर जब बच्चों से ज्यादा सवाल जवाब होने लगे तो एक आतंकी ने कहा कि इनको कमरे में बंद कर देते हैं या इनको मार देते हैं। तो ये चीजें जो है वो चल रही थी, मगर बच्चे बहादुरी से वहां रुके रहे और उसके बाद जैसे ही वहां सेना का काफिला गुजरने लगा, आतंकियों ने उन पर फायरिंग की। उसके बाद इन आतंकियों को जो है वो कहीं ना कहीं यहां से भागने का, आतंकियों ने जो है वो बच्चों को भागने का एक मौका दिया और बच्चे वहां से तुरंत वहां से निकल गए। बिल्कुल, और जो तमाम इक्विपमेंट्स भी बरामद किए गए हैं आतंकियों से अजय जांडियाल, वो इस बात को दर्शाते हैं जैसा कि आपने कहा भी कि होस्टेज जैसी सिचुएशन के हिसाब से वो तैयारी जो है वो करके आए थे, जिसमें खाने पीने से सामान से लेकर तमाम अत्याधुनिक हथियार जो है वो बरामद किए गए आतंकियों के पास से। देखिए, जो असला है जहाँ उसके साथ खाने पीने का सामान है और खासतौर पे DMR कम्युनिकेशन डिवाइस, ऐसा डिवाइस जिसके जरिए
वो ऐसी अनट्रेसेबल कम्युनिकेशन अपने कमांडर के साथ पाकिस्तान में बैठे अपने मास्टर्स के साथ कर सकें ताकि वो जाने कि उन्हें क्या करना है, उनको कहां हमला करना है, उस चीज़ का है। और दूसरी चीज़ माना ये जा रहा है कि इनके पास जो आइकॉन नाम की कंपनी के ये सेट थे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये तीन अलग अलग डिवाइसेस इनके पास थे जिनके ज़रिए शायद ये आपस में कम्युनिकेशन करते होंगे। शायद ये प्लानिंग होगी कि हमला करके हम अलग अलग लोकेशन पर चले जाएंगे या फिर अलग अलग लोकेशन से हमला करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं वो अब दर्शाती हैं कि इन आतंकियों की मंशा किसी बड़े मनसूबे की थी। ड्राई फ्रूट इतने ज़्यादा मात्रा में ये कैरी कर रहे थे अलग अलग, इसका मकसद क्या हो सकता है? ताकि उन्हें खाना अगर वो कैरी करना हो तो बेहद ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा, अगर इनको वो सामान उठाकर घूमना होगा तो शायद उनके लिए मुश्किल होगी, इसीलिए उन्होंने एक लिमिटेड ड्राई फ्रूट अपने साथ कैरी किया था क्योंकि ड्राई फ्रूट के साथ उनको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहती और उसके बाद जो है जी अजय बिल्कुल। तो अजय जांडियाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से आतंकियों से बड़ी मात्रा में जो चीजें हैं वो बरामद की गई है। बैटरी डेड होगी थी कैमरा। जी अजय आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बिल्कुल। अजय इसके साथ ही साथ दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि वो जो DRM इक्विपमेंट बरामद किया गया जिसके जरिए वो कम्युनिकेट कर रहे थे, आखिर बड़ा सवाल है कि कम्युनिकेट किससे कर रहे थे? देखिए DMR कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं, दरअसल ये डिवाइसेस पक्की बात है कि ये कहीं ना कहीं चाइनीज डिवाइसेस होंगे। इससे पहले भी आप देखें तो अल्ट्रासेट करके एक डिवाइस इनके पास बरामद हुआ था, अब ये DMR डिवाइस जो है इसकी बात आ रही है। ऐसे में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये डिवाइसेस जो हैं ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए होंगे, और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो जानकारी जो ये है कि वो लश्कर के आतंकी जो ऑपरेट करते हैं जम्मू कश्मीर में, या लश्कर जो है अपने आतंकियों को इस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस देता है ताकि वो ट्रेस ना हो और उसके साथ साथ वो अपने मास्टर्स के साथ जो है वो बातचीत करते रहे। ये सिक्योर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस इन आतंकियों के पास होते हैं ये किसी कंपनी के साथ हैं, अगर जुड़े हैं तो वो चाइनीज कंपनी है। तो चीन और पाकिस्तान की आपस में पुरानी एक दोस्ती है और उस चीज को लेकर चीन, आप हथियारों की बात करें, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करें, तो ये पाकिस्तान को मुहैया करवाता है। तो हो सकता है ये डिवाइसेस जो हैं वो आतंकियों के पास हों और ये आतंकी इनका इस्तेमाल जो है करते होंगे। और जो मैं बता रहा हूं कि जो जानकारी है ये लग रहा है कि आतंकी अलग अलग जगह पर, क्योंकि हमने देखा जैसे गुलमर्ग में अटैक हुआ, गांधरबल में हुआ, मल्टीपल टेररिस्ट मल्टीपल लोकेशन से फायरिंग करते हैं। इसी तरह से किश्तवाड़ और कठुआ में भी आतंकी हमला हुआ था जब सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। तो ये आतंकी अलग अलग लोकेशन पर होते होंगे और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जिस इलाके में ये हमला हुआ है, ये आतंकी इलाका जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि ये डिवाइसेस जो हैं इसके जरिए सरहद पार भी बात कर सकते होंगे और अपने कमांडर के साथ जो हैं या अपने बिल्कुल और जांच जो है वो इस पूरे यहां पर इन आतंकियों को भेजा है हमला करने के लिए। बिल्कुल जांच लगातार जारी है और मंसूबे आतंकियों के किस प्रकार के थे, ये जो हथियार उनसे बरामद किए गए हैं उससे ही अपने आप में सामने आते हैं, पता चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका।